टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आगरा में ताजमहल और लाल किले के अलावा यहां के मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। जी हां, यहां पुराने आगरा के रावतपाड़ा में स्थित मनकामेश्वर मंदिर यहां सबसे खास है। मान्यता ये है कि यहां शिवलिंग की स्थापना खुद भगवान शिव ने द्वापर युग में की थी। तो आइए जानते हैं मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में। आगरा का प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर, बाबा शिव की मन्नत पूरी हुई थी यहाँ। खुश होकर भोलेनाथ ने खुद स्थापित किया था शिवलिंग। शिवलिंग को हटाने की भी हुई कोशिश, अत्यधिक महत्व रखता है ये मंदिर। दर्शन मात्र से हर मनोकामना होती है पूरी। मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेश्वरी जी के अनुसार श्री महंतों की श्रृंखला में वह 28वीं पीढ़ी है जो मेन शिवलिंग है, जो कि मनकामेश्वर नाथ के नाम से पूजित है। दरअसल पुराणों के अनुसार मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनके बाल रूप के दर्शन की कामना लेकर कैलाश से चले भोलेनाथ ने यहाँ एक रात बिताई थी और साधना की थी। उन्होंने यह प्रण किया था कि अगर वो कान्हा को अपनी गोद में खिला पाए तो यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करेंगे। अगले दिन जब वह गोकुल पहुंचे तो यशोदा मैया ने उनके भस्म भभूत और जटाधारी रूप को देखकर कान्हा को शिवजी की गोद में देने से मना कर दिया कि कान्हा उन्हें देखकर डर जाएगा। यह सुन भगवान शिव रो दिए और वहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। शिव को आया जान कन्हैया ने लीला शुरू कर दी और रोते रोते शिव की तरफ इशारा करने लगे। तब यशोदा माई ने शिव को बुलाकर कान्हा को उनकी गोद में दिया, तब जाकर कृष्ण चुप हुए। वापसी में शिव ने यहाँ आकर शिवलिंग की स्थापना की और कहा, जिस तरह से मेरे मन की इच्छा पूरी हुई उसी तरह से सच्चे मन से यहाँ आने वाले मेरे हर भक्त की मनोकामना पूरी होगी। इस मंदिर की खासियत ये है कि अगर कोई अंदर न जाना चाहे तो यहाँ बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। वैसे भी चांदी मणे इस शिवलिंग के पास वही व्यक्ति जा सकता है जिसने भारतीय वेशभूषा, धोती साड़ी आदि पहनी हो। आगरा का प्रसिद्ध मंदिर मनकामेश्वर मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर का अपने आप में एक पुराना लंबा इतिहास है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेश पुरी जी। आइए इनसे जान लेते हैं मनकामेश्वर मंदिर का क्या इतिहास है। आपके दर्शकों को सभी को मेरा श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके चैनल को साधुवाद कि जिन्होंने एक खोज चलाई है और उस खोज के अंतर्गत में आज आप लोग मनकामेश्वर मंदिर पर आए हैं। तो ये मनकामेश्वर मंदिर की जो प्राचीनता, अगर मैं कहूं कि कितना साल पुराना है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अपने आप में ही मैं 28वीं पीढ़ी में हूं। मैं यहां पर श्री महंतों की श्रृंखला में 28वीं पीढ़ी में हूं और जो मुख्य शिवलिंग, जो मेन शिवलिंग है, जो यहां पर मनकामेश्वर नाथ जी के नाम से पूजित है, रक्षित है, वह शिवलिंग भगवान शंकर के द्वारा जो है द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय भगवान शंकर जब दर्शन करने के लिए आए थे तो उन्होंने अपने हाथ से यहाँ पर शिवलिंग की उन्होंने व्यवस्था की थी, उसकी प्रतिष्ठा की थी। तो इस प्रकार से और इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये शिवलिंग कम से कम 3500 वर्ष पुराना तो पुरातत्व विभाग की मान्यताओं के अनुसार है। कहा जाता है कि 650 साल पहले शिवलिंग को दूसरी जगह स्थापित करने के लिए एक नया मंदिर बनवाया गया था। महंत गणेश पुरी ने नए मंदिर को दक्षिण उत्तर भारत शैली पर बनवाया था। इसके लिए जब शिवलिंग को दूसरे मंदिर में स्थापित करने के लिए उठाए जाने लगा तो वह हिला ही नहीं। कई लोगों ने कोशिश की तो शिवलिंग गर्भगृह में चला गया। यही वजह है कि आज भक्तों को शिवलिंग के दर्शन के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। काफी समस्या आ रही है, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है पर आ रही है। तो क्या मान्यता है आपकी? क्या कोई भजन वगैरह होते हैं अच्छा लगता है और मान्यता तो है, मन का मिशन की मान्यता तो है। मेरी यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है, मेरे को पूर्ण रूप से श्रद्धा है कि मेरे सब काम यहीं से बने भोले बाबा की कृपा से। कितने वर्षों से आ रही है? 22 साल हो गए। परिवार के और लोग भी आते हैं? परिवार में कोई है, मतलब बाहर रहते हैं मेरे बच्चे, इसलिए मैं ही आती हूँ। मैं ही अकेले बहुत महत्व रखता है सावन का महीना, यहाँ सारी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, यहाँ के दर्शन करने से, जल चढ़ाने से आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ
आती हूँ यहाँ पर भजन कीर्तन होते हैं, सेवा जो बनती है सेवा कर लेती हूँ, स्वामी जी देखी सेवा भी हो जाती है और अच्छा ही लगता है यहाँ से। देखिए इस मंदिर की बहुत प्राचीन मंदिर है और इसकी प्राथमिकता ये है कि इसमें हर जगह से आदमी आता है, देहात से, शहर से, आसपास का अपना आगरा मंडल को पूरा कवर करता है और ये बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है। सच्चे भोले बाबा हैं, जो मन से आप यहाँ पे मांगोगे वे अवश्य पूर्ण रूप से पूर्ण करते हैं। सरदार भी बाहर से भी आते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, कानपुर, इटावा, मैनपुर, ग्वालियर, सारा क्षेत्र आता है, बाहर से भी आता है, विदेशी भी आते हैं, कभी कभी विदेशी भी आते हैं। दुकानदारी पे महंगाई का ज़्यादा असर है, महंगाई के चक्कर में ग्राहकों से थोड़ी वो रहती है, ग्राहक कहता है महंगा है महंगा है, अब जो बताओ महंगा तो होगा ही होगा। अरे लेबर का भी खर्चा बढ़ गया, अदा पेट्रोल का खर्चा बढ़ा, सारे खर्चे बढ़ गए। मैं अभी क्या ग्राहक डिस्टर्ब हो रहा है सामान खरीदने में, जो चीज़ पहले वो 5 की लिया मैं करेगी उसे 8 की, अब वो चार कर ग्राहक कहते हैं भाई साहब ये 8 की 5 की ले गया था अगली बार, तो थोड़ा मतभेद चल रहा है चक्कर में, इसलिए थोड़ा असर है बिक्री में। इस मंदिर की एक और खास बात है कि मंदिर परिसर के मुख्य गर्भगृह के पीछे कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ देशी घी से प्रज्वलित होने वाली 11 अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। अपनी मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहाँ आकर दीप जलाते हैं, जिसकी कीमत 1.25 रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक हो सकती है। जो भक्त समय के अभाव से मंदिर नहीं आ सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब द्वारा भी दर्शन कराए जाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। वर्तमान समय में हम लोग देखे, चूंकि अब नया जमाना है, नए बच्चों की सोशल एक्टिविटीज रहती हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, तो बाबा का अपना फेसबुक पे जिसके ऊपर लगभग करीब 2.5 लाख के आसपास में फॉलोअर्स हैं, उसके तत्पश्चात हम लोगों का इंस्टाग्राम चलता है, मेरा व्यक्तिगत खुद इंस्टाग्राम है, अपना जो है मंदिर का इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो इन सब के माध्यम से हम लोग लोगों से जुड़े रहते हैं। एक और चीज़, श्रावण मास में जो भक्त नहीं आ पाते हैं उनको हम लोग ये आदेश भी देते हैं, जैसे उनके मन में भावना है कि हम भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, तो आप केवल वहाँ बैठ करके दर्शन मत करिए, बल्कि हम कंडक्ट कराते हैं कि आपका एक अभिषेक यहाँ हो रहा है और आप जैसा हम यहाँ कर रहे हैं वैसा ही आप अपने घर में भी एक शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करिए, तो उससे उनकी भावना और ज़्यादा प्रकार हो जाती है। नहीं तो अमूमन ये देखा जाता है केवल व्हाट्सएप पर दर्शन करा दिया जाता है और हो जाता है, नहीं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़िए और जुड़ करके अपने घर में भी कंडक्ट करिए। सारी वेद मंत्र, सारी व्यवस्था तो हम लोग बोल रहे हैं, बाकी का आप लोग अपने यहाँ से जैसा भी जो हम लोग कर सकते हैं, तो उसमें प्रचार और प्रसार के लिए विदेशों तक से करीब, जैसा कि मैंने कहा कि 2.25 लाख के आसपास में, 2.5 लाख के आसपास में फॉलोअर्स हैं, तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं विदेश से भी लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। देखा आपने, ये थे हमारे साथ मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेश पुरी जी। इन्होंने बताया कि मनकामेश्वर मंदिर का हज़ारों साल पुराना इतिहास है और सोशल मीडिया पे भी इनके बड़ी संख्या में फॉलोवर्स हैं, जो सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए भी भक्तों को दिखाया जाता है। अपने सहयोगी राशिद हुसैन के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो